अल्लाह जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे खैर के साथ होंगे इन शाल जी आज का दिन शुरू हो गया और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब व्लाग में दे दूँ बहुत प्यारे मैसेजेस और स्पोर्ट्स मुझे मिलती है आप सब से तो बस जी आज का व्लाग आप लोगों के नाम है तो ये व्लॉग ना मैंने सोचा कि आप लोगों के जो सवाल हैं वो और कमेंट्स का जवाब इस व्लॉग में दूंगी ताकि आप लोगों को सारे जवाब इसी चीज़ में मिल जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो मैं इतना डिटेल से नहीं वहाँ लिख देती क्योंकि आपको पता ही होगा आप फुल व्लॉग वॉच करते नहीं हैं और सवाल कर देते हैं <laughs> चलें जी तो सबसे पहले जी यहाँ पर मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ आज थोड़ा सा मैंने ज़रा नाश्ता ज़रा अपना डिफरेंट किया है क्योंकि आज ज़रा पराठे का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता करना था तो मैंने एग और ब्रेड ले लिया साथ मैंने ना योगर्ट में टू बनाना को कट किया स्लाइस में और वो खाया बिल्कुल हल्का हल्का सा नाश्ता किया ये तो उसके बाद जो मेरी आ जाती हैं हेल्पर और हेल्पर आ गई थी वो अपना काम कर रही थी और साथ साथ ना मैं जितने भी मेरे घर में फर्नीचर हैं ना उनके जो ड्रॉज़ हैं उनको मैं नीट कर रही थी जो सामान फेंकने वाला था वो मैंने फेंक दिया और जो सामान अपनी अपनी जगहों पर रखने वाला था वो मैंने उनकी जगहों पर सेट कर दिया तो ये तो काम चलता ही रहेगा तो आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग के जो सवाल हैं वो शेयर करती हूँ सबसे पहले सवाल आया था मुझे काइंडली मस्ट टेल के मटर ग्रीन कैसे रह जाते हैं और मेरे मटर्स का कलर चेंज हो जाता है डियर आप उसको ओवर कुक करती होंगी इसलिए चेंज हो जाता है सेकंड ये कि मैंने आपको वहाँ पे टिप मैंने शेयर की थी कि आप अगर चाहते हैं कि फ़्रीज़ करना मटर को और आपके कलर मटर का चेंज ना हो तो आप एक ही काम करें एक आप बड़ा सा पतीला लें उसमें अच्छा खासा पानी लेके बॉयल करें जैसे पानी बॉयल हो जाएगा आपने उसके अंदर डाल देनी है वन टेबल स्पून शुगर वन टेबल स्पून सिरका जैसे वो बॉयल हो जाएगा आपने मटर ऐड करनी है दो से तीन बॉयल होने के बाद फटाफट आपने उसको स्टेन कर लेना है ठंडे जब हो जाएंगे फिर आपने जिप लॉक बैग में डाल के उसको फ्रीज कर देना कभी भी ये जुड़ेंगे नहीं कभी भी ख़राब नहीं होंगे आप साल डेढ़ साल भी इसको रख सकते हैं बिल्कुल भी टेस्ट तक इसका ख़राब नहीं होगा ठीक है और एक और क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि असलम विदाउट मिल्क स्वैया मोटी वाली कैसे बनाएं डियर बहुत इजी है जो मैंने दूध उसके अंदर यूज़ किया है आप ऐसा करें दूध को स्किप कर दें और आप दूध की जगह उतनी ही क्वांटिटी में आप उसके अंदर पानी ऐड कर लें बट अगर आप चाहती हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा आए तो फिर आपने चीनी की जगह शक्कर ऐड करनी है ठीक है शक्कर ऐड कर लें या फिर गुड़ को पीस के ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होगा अच्छा सवालों के जवाब के साथ साथ मैं एक आपके साथ एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि माँ एक डॉक्टर भी होती है टीचर भी होती है और बड़ी कुछ होती है ठीक है अभी ना मैं यहाँ पे डॉक्टर बन गई हूँ ठीक है अच्छा यहाँ पे ना मैं गई थी विहाड़ी और विहाड़ी से ये लेकर आई हूँ किक्कर की लकड़ी अंदर वाली जो होती है ना वो लेकर आई हूँ क्योंकि अबिया के ना मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो मेरा दिल करता है कि जित बच्चे छोटे हैं ज़्यादातर मेडिकल की जो होती हैं ये दवाइयाँ ये डॉक्टर्स की दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं तो बच्चों को इतने छोटे चोड़ छोटे बच्चों को दवाइयों पर नहीं लगा देना चाहिए जो आपको घरेलू टिप्स एंड जो टोटके होती हैं ना तो ये लाजमी अपने बच्चों पे वो करने चाहिए क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा कि ये जो किकर की लकड़ी होती है इसको अगर आप पानी में बॉईल करके बच्चे को उसके साथ कुरली करवाते हो सुबह दोपहर तो शाम नीम गर्म पानी से तो बच्चों के जो मुंह की दर्द होती है या कीड़ा लगा हुआ होता है या दांत की दर्द होती है या मुँह की दर्द होती है या मुंह में कोई सोजन होती है या कोई भी या फिर मुंह में कोई छाले होते हैं तो इससे बच्चे को आराम आ जाता है ठीक है तो मैं ज़्यादातर ना वैसे टिप्स पे जाती हूँ और जो बड़े टिप्स देती हैं ना तो मैं कहती हूँ वो तो परफेक्ट होती हैं तो अभी हाँ जब गई थी ना विहाड़ी पहले जब गई थी तो उसने ये किया तो अलहमदिल्ला इसे आराम आ गया था तो फिर मैं इस बार जा ना ज़्यादा सारी ले आई हूँ और ये मैंने बना के रख लिया है ताकि मैं इसको अपने फ्रिज में रख लूँ और आ जाती हैं जी अपने दोबारा सवालों की तरफ़ अच्छा एक और ने सवाल किया था कि सूरत बकरा कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है प्लीज़ ज़रूर शेयर करो मुझे अच्छा अच्छा बताऊँ क्या सूर्त बकरा माशाल्लाह दो ढाई इस की है ठीक है आपने उसको जितना आप सुबह नमाज के बाद पढ़ सकते हैं आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें बस लाजमी नहीं है कि आपने पूरी सुरत बकरा पढ़नी है आप अगर तो आप फ्री हैं कि आपके पास कोई आप हाउस वाइफ़ नहीं है या आपके बच्चे बड़े हैं या आपको कोई काम नहीं है फिर तो आप पढ़ें ईजीली बैठ के अगर आपके पास आ, कि घर के बहुत ज़्यादा काम के साथ आपने लेके चलना है अपने आप को तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें सुबह जितनी आप इजीली पढ़ सकती हैं आप पढ़ लें और जैसे आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी तो फिर आप ज्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगी ठीक है और एक और मुझे मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने कहा कि विलेज लाइफ दूर से अच्छी लगती है नो no, विलेज लाइफ में बेशक सहूलतें नहीं हैं रात को बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं वहाँ के लोगों में टेंशन ही नहीं है <laughs> वहाँ पे सहूलतें नहीं हैं तो वहाँ पे सुकून भी बहुत है वहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत कम हैं और एक और क्वेश्चन है कि सिस्टर ये जो मिनी हैंड चॉपर आपके काउंटर पर पड़ा हुआ है ये कैसा है डियर ये बहुत ज़बरदस्त है बहुत ही बेस्ट है ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है कि आप 950 का ये मैंने लिया था और जब मैंने यूज़ किया तो इतनी अच्छे ये इतना अच्छा निकला ना तो फिर मैं एक और ले आई थी वो मैंने नीचे वाली किचन के लिए रख लिया ताकि मेरे पास दोनों किचन में होने चाहिए ठीक है और एक और था कि आप प्लीज़ ब्राउनी की फुल रेसिपी शेयर करें टीयर फुल व्लॉग देखेंगी तो उसमें आपको ब्राउनी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिल जाएगा ठीक है और बच्चे बताया था कि टिन साइज़ क्या है टिन साइज़ डियर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा टिन साइज़ है एट बाय एट और चॉकलेट एंड कोको पाउडर कौन से ब्रांड का यूज़ करती हैं डियर आप रोजमोर का ले लें ठीक है रोज़मर का आप कोको को पाउडर ले लें अगर आप बड़ी अच्छी क्वांटिटी में वर्क कर रही हैं या फिर अगर आप होम बेकर हैं तो फिर आप अच्छे से ब्रांड की चॉकलेट और कोको को पाउडर यूज़ करें और वो आपको फेसबुक पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स हैं बेकिंग टूल्स के आप नाम से सर्च करेंगी या फिर बेकिंग से रिलेटेड सर्च करेंगी तो बहुत सारे आ जाएंगे और वो आपको हर चीज़ देंगे और उनके पास पैंस वगैरह हर चीज़ होती है वहाँ से आप इजीली उनको ऑर्डर कर सकते हैं वो अपना पूरा अपना प्रोसेस जो होता है उनका वो बताते हैं तो आप वहाँ से अच्छी सी क्वालिटी का सब कुछ बाय कर सकते हैं ठीक है और ये थे जिम जितने भी सवाल जितने भी कमेंट जो सवाल वाले थे कि मुझे इनका प्लीज़ रिप्लाई करें तो मैंने उनका रिप्लाई भी कर दिया है और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती नहीं डियर मैं लाजमी करती हूँ और मैं तो अब ये प्रॉपर टाइम निकाल के लाजमी ना वो कमेंट्स का रप्लाई करती हूँ ठीक है और आज की रूटीन में ना मैंने जो लंच में बनाया था वो बनाया था मिक्स सब्जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ और बनाती तो मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी उसमें बच्चों ने मेरी हेल्प की थी अभी हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा मैंने लंच बनाया लंच बनाने के बाद जी खा पी के हमने थोड़ी सी रेस्ट की और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने लगी आपको पता ही है कि हाउस वाइफ़ की क्या रूटीन्स होती हैं सारा दिन अलहमद काम 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 ठीक है अगर हम काम नहीं करेंगे तो री बात है बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे नहीं अगर टाइम पे उनको खाना नहीं देंगे बच्चे डिस्टर्ब हो तो हम भी डिस्टर्ब होंगे ठीक है तो जैसे ही सबने बच्चों ने पढ़ लिया और अनान आया फिर अनान को मैंने दिया डिनर डिनर में ना इन्होंने कल वाला ही खाना खा लिया था क्योंकि अयान अल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब बच्चे ही मेरे बहुत इजीली खा लेते हैं ये नहीं होता कि मम्मा बासी है तो हम नहीं खाएंगे नहीं ऐसी रूटीन मैंने घर में रखी नहीं है वो उन्होंने खा लिया क्योंकि पहले लंच में इन्होंने फ्रेश खाना खा लिया था तो जैसे खाना खाने के बाद जी मैंने फिर बच्चों को दे दी दालचीनी लौंग और छोटी इलायची की चाय ये मैं आजकल ना डेली दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो रहे हैं और जिसकी वजह से ना बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उनसे सेव रखने के लिए मैंने ये बनाया और अपने लिए थोड़ा सा शॉर्मा मंगवा लिया था बड़ा ही दिल था आज ना खाने का <laughs> तो ये बनाया उसके बाद जी मैं स्टीम के लिए पानी गर्म करी थी ईशू के लिए तो ये था जी मेरा आज का भी उम्मीद करती हैं आपको पसंद आया होगा ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में